तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारी पहली वीडियो में कि हमने सर्विस कराई थी जुपिटर 125 की। पहले सर्विस में जो हमारा पंचकूला में एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा कि हमने सारे इसमें जितने भी पार्ट थे वो सारे डिक्लेयर कराए। तो आज हम आए हैं यहाँ पे ईवीएस चंडीगढ़ के सामने। ये चंडीगढ़ का इकलौता एक शोरूम है जो पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन में। तो भाई यहाँ पे अब सर्विस कराने हैं अपनी जुपिटर 125। तो यहाँ पे खड़ी आप देख पा रहे हो। अब अंदर चलते हैं और हमें आपको बता दो टेम्परेरी नंबर है और आज मेरे पास इसकी नंबर प्लेट्स वगैरह भी हैं। तो इसमें अभी आपको नंबर प्लेट्स वगैरह दिखा देता हूँ वो हमें आ रखे हैं। तो इसके अंदर हैं भाई, इस प्लेट्स के ऊपर चढ़वा के इसकी नंबर प्लेट वगैरह लगवाएंगे। तो अंदर चल के देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई चंडीगढ़ टीवीएस का। तो भाई हम प्रवेश हो चुके हैं भाई सर्विस सेंटर में। ये कुछ इसका एंट्री पॉइंट है और अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भाई स्कूटर वगैरह खड़े हैं, देखो भाई सारे सर्विस ये डन हो चुके हैं जो कस्टमर वगैरह लेने आएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर भाई हमारी सर्विस वगैरह होगी इसका एंट्री। तो अभी देखो ये हमारे जुपिटर यहाँ पे वॉशिंग हो रही है। तो वॉशिंग तो यहाँ पे देख लो पूरे जबरदस्त तरीके से हो रही है। और आपको पूरा अंदर से सर्विस सेंटर दिखाता हूँ। तो यार ये कुछ इस तरीके से ये सर्विस सेंटर भाई टीवीएस वालों का। तो यहाँ पे इनके पास कर रहे हैं भाई जो भी यहाँ पे टीवीएस के पास रिलेटेड जितने भी यहाँ बाइक्स वगैरह काम होता है। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सर्विस के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ एग्जिस्ट कर रखी हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और जुपिटर 110 खड़ी है और यहाँ पे बाइक वगैरह लगी हैं। और यहाँ पे अभी कुछ खाली है भाई, यहाँ पे शायद अपने वाली जब नंबर आएगा तो उसकी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो भाई ये इनका सर्विस सेंटर अभी चंडीगढ़ का। हाँ थोड़ा पंचकूले से बताता हूँ, थोड़ा सा खुला यहाँ पे कम से कम 1, 2, 3 और 6 गाड़ी यहाँ पे सर्विस आप एक साथ कर सकते हो। और अभी हमारी जब गाड़ी आएगी तब हम जो भी यहाँ पे लड़का रहेगा भाई सर्विस वाला, हम उससे सब पूछेंगे भाई कैसे क्या सर्विस होती है। तो आप बने रहेगा भाई अंत तक वीडियो में कि भाई हम आपको पूरी वीडियो बताएंगे भाई 125 के बारे में कि भाई किस तरीके से यहाँ पे सर्विस होगी। तो और तक एक्सपीरियंस क्या, अभी पहले हम वॉशिंग हो रही है, पहले वो चीज़ दिखा देते हैं आपको। तो अपनी जो गाड़ी है वो वॉशिंग हो रही है। तो वॉशिंग देखो भाई पहले से इन्होंने शैम्पू वगैरह किया हुआ है, दिखाता हूँ भाई पूरी शैम्पू वगैरह कर दी यहाँ पे। और उसका मैट वगैरह भी देखो लटका हुआ है भाई, पूरा वॉशिंग वगैरह हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से अच्छे से क्लीन किया जा रहा है। दो बंदे यहाँ पे काम करते हैं, एक भाई ये है। तो भाई से पूछ लेते हैं, भाई आप कितनी गाड़ियाँ कर देते हैं एक दिन में वॉशिंग? तो भाई अपने डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा जॉब कार्ड है भाई जुपिटर 125 का। तो इसमें जो कॉस्ट आई है भाई यहाँ पे पहले 350 लगे थे, मेरी जो कॉस्ट आ रही है 480 आ रही है। तो जान लेते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव जुड़ चुके हैं तो उनसे पता कर लेते हैं भाई। तो सर आप बताइए ये जो 480 हैं जो 480 रुपीज़ दिखे हैं सर ये किसी के हैं? एक्चुअली पहले क्या था, जो इंजन ऑयल की कॉस्ट थी वो 350 थी। अभी क्या है, अभी उसका MRP चेंज होकर 380 हो गया है। और इसमें प्लस जो एडिटिंग ऑयल है जो मैंने आपको पहले भी बताया अभी ऑप्शनल है, जिससे वो इंजन ओवर हीटिंग और कार्बन वगैरह जो अंदर जमते हैं तो उसे बाहर निकालने के लिए जो ड्रेन होकर निकल जाते हैं उसके लिए डालते हैं। तो प्लस 100 रुपये उस चीज़ के ऐड हैं, तो आपके टोटली 480 बन चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शनल है? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो आप रिकमेंड करते हो कि सबको, जैसे कि अब मैंने फर्स्ट सर्विस में नहीं होता मतलब? नहीं नहीं सर, हर सर्विस में। तो मैंने जैसे पंचकूला करवाई थी सर्विस तो वहाँ पे सर ये चीज़ है नहीं थी, उनके पास जो प्रोडक्ट ही नहीं है तो इसलिए तो उनके पास वो प्रोडक्ट नहीं था इसलिए उन्होंने आपको नहीं बताया, बट हमारे पास है तो हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है सर। तो भाई अपनी गाड़ी अब स्टार्ट होकर भाई सर्विस के लिए रेडी हो चुकी है। दोस्तों मैं किसी कारण यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, तो हमारी गाड़ी आप देख रहे हैं 2101 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हमारे यहाँ पे उसको एक सर्विस वगैरह कर रहे हैं जुपिटर की। तो ठीक है, तो इन्होंने पहले तो यहाँ से एयर फिल्टर खोला, ठीक है। तो एयर फिल्टर की यहाँ पे आप कंडीशन मैं दिखा देता हूँ भाई, काफ़ी गंदी है, 2000 किलोमीटर पर इतना गंदा हो जाता है हमारा एयर फिल्टर, ठीक है। उसके बाद इसमें से कुछ क्या इंजनों में निकला भाई जिसकी कंडीशन ऐसी थी। और इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है 3-4 प्रेम का इसमें इंजन डाला जाता है और साथ में एडिटिंग ऑयल ऐड है जिसमें हमने कॉस्ट पड़ी है मुझे 480 रुपीज़, पहले 355 थी। और इसमें फिर ये पहले इंजन डालते हैं भाई, उसके बाद इसमें एडिटिव ऑयल ऐड करते हैं जिससे आपका इंजन के जो कोई भी इसको साफ़ कर देता है भाई सारे क्लीन पार्ट के अंदर के।
तो गाइस इस पंप के मदद से हमें यहाँ पे गियर ऑयल डालने को मिलता है 120 ml का। फिर यहाँ पे डायग्नोस किया जाता है भाई पूरे सिस्टम का ओडीबी लगा के। तो इन्होंने वैसे ही हुआ वो सारी सर्विस करी है जो पैसे पहले थे टैप वगैरह करके, ठीक है। बस इन्होंने टैंक वगैरह फ्यूल मेरा साफ नहीं किया था और ये मेरा कुछ ऐसा बिल बनता है 480 rupees का। तो भाई अपने यहाँ पे जुपिटर 125 की नंबर प्लेट्स आ चुकी हैं, आप देख रहे हो भाई भैया, देखो ठीक है, ये नंबर प्लेट है अपनी और ये भाई अपने यहाँ पे नंबर प्लेट लगा रहे हैं। तो अभी ये प्लास्टिक का मटेरियल है, सबसे बेकार मटेरियल है, ठीक है, इसको उतरवा के हम नंबर प्लेट लगा लेंगे। तो भाई को पूछ लेते हैं, भाई कितने प्लेट लगाते हो दिन में? भाई कितने प्लेट लगाते हो दिन में? भाई बताएगा। अच्छा आपको नहीं पता? चलो भाई कितने प्लेट लगा लेते हो, कितने प्लेट लगाते हो दिन में? कोई भी गाड़ी टू व्हीलर में आती है कितने प्लेट लगाते हो? आने को 5-10 भी आ जाए, आने को 2-4 भी आ जाए गाड़ी। अच्छा आप रिबिट के साथ लगाते हो कि नट के साथ लगाते हो? रिबिट भी लगा देते हैं, नट भी लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाली गाड़ी तो अभी रेडी डिलीवरी के लिए होने जा रही है रेडी। चलो यार इसमें नट लगते हैं भाई, यहाँ पे जो पहले नट लगे हुए थे इस प्लेट के, भाई यहाँ पे टेम्पररी प्लेट है इसमें नट लगे थे। तो भाई ये नट उतरवा दिए हमने, तो भाई वही नट सेम लगेंगे भाई, ऐसे नहीं लगानी जैसे आप लगा रहे हो भाई, ये लगानी है इसके साथ बैक, इसकी तो स्पीड तो सब एक घटिया प्लेट है भाई, ये लगानी है इसके साथ, ऐसे नहीं मज़ा आएगा इसमें, नीचे इसको लगाना है, इसको ऊपर लगाना है। आप नए आए हो यार, फिर इसको लगाओ ना ऐसे, हाँ ये भाई बताएंगे। भाई अभी दूसरा बंदा था थोड़ा नया आया था भाई, उसको पता नहीं था, तो अब ये वाला बंदा कह रहा है इसके पीछे लगाएंगे हम प्लेट। इसकी मजबूती देखो भाई, ये बिल्कुल भी ना टेढ़ी नहीं हो सकती फोल्डने से, और इसकी देखो कितनी घटिया क्वालिटी है। ये तो मैं लेके आया था भाई इनसे, देखो ये तभी फोल्ड हो गई थी, ठीक है। तो भाई अब इसको नीचे रखेंगे, ये बेस होगा इसका और ये मेन प्लेट होगी। तो भाई लगाओ, कवर भी आता है हमारा, फ्रेम भी आता है, ये लगाओ फ्रेम भी आता है। नहीं भाई कवर के लोड नहीं है, तभी मैं ये प्लेट्स लेके आया हूँ। तो भाई आप ये लगा दो यार, एक कवर के साथ हम रिबिट लगा सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, नट लगाओगे रिबिट लगाओगे? नहीं सर मैंने लगवानी है नट, नट के साथ लगवाना है, क्योंकि यार बारिश वगैरह में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इस कारण मैं ये नट लगवा रहा हूँ। रिबिट टूट जाती है अगर पानी का फ्लो इतना रहेगा ना गाइस, मैं भी आपको बता देता हूँ, अगर इतना फ्लो रहेगा ना पानी का, अगर आपकी टू व्हीलर इतना रहेगा डूबा रहेगा, तो उसमें यार आपकी जो रिबिट है वो टूटने का खतरा। तो आप, मैं आशा करता हूँ भाई आप यही लगवाएं नट वगैरह से, क्योंकि उसकी मजबूती बनी रहेगी। भाई आपको भाई आप भी सेम वही काम कर रहे हो, ये नीचे लगानी है भाई, भाई ने भी वही काम कर दिया था यहाँ पे, तो आप इसको बेस के लिए लगा रहे हैं भाई। गवर्नमेंट से अपील रहेगी जो HSRP वाली प्लेट यार, इसको थोड़ा इम्प्रूव करे क्वालिटी में, ताकि बंदों को ये डबल डबल प्लेट ना लगवानी पड़े, क्योंकि जो डबल प्लेट से इसकी मजबूती होने वाली, जो सिंगल प्लेट लगाएंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही घटिया है भाई, टूट जाती है। तो मेरे साथ तो कल ही हादसा हो चुका, मेरी गाड़ी में लगी थी ये प्लेट, तो वो टूट चुकी है और वो रिबिट के साथ ही इस करके वो पानी में बह गई थी, और शुक्र है कि वो अगले दिन मिल गई, नहीं तो भाई मुझे वो दोबारा से अप्लाई करनी पड़ती ऑनलाइन HSRP वाली प्लेट। तो भाई ये हो रहा है यहाँ पे पक्का काम अपनी प्लेट का, और ऐसे ही हम आगे लगाएंगे आगे वाली प्लेट भाई, हम उसी स्पोर्ट के साथ लगा रहे हैं जो स्पोर्ट की, भाई देखो बैक साइड में। तो भाई आप इसको वैसे तो यार रिबिट से आप खोल नहीं सकते, वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, पर यहाँ पे नट लगाने के बाद सॉल्यूशन पक्का हो जाता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है भाई। ये अपना नंबर है, ठीक है, और मैं इस नंबर की खासियत बता देता हूँ भाई, 835 है ये, मुझे नेचुरली मिला, तो 83 का मतलब रहता हूँ भाई, 8 तो मेरा मंथ है और 3 तारीख मेरा बर्थडे है, और ये इसको आगे पीछे करोगे 95 तो ये मेरा सन आ जाएगा, तो ये मेरी कोई डेट ऑफ बर्थ बनती है इस नंबर के साथ में। तो भाई हमने कुछ ना कुछ मतलब निकाल दिया है, वरना तो यार देखो वरना मैं सोच रहा बेकार नंबर है, पर भाई मैंने कुछ मतलब निकाल के इसका लॉजिक ला के कुछ भी हमने डेट ऑफ बर्थ बना दिया, ठीक है। आप भी ऐसे करके भाई अपना कुछ रहे, ताकि आपको नंबर पसंद आ जाए, अगर वो नंबर अच्छा नहीं मिला। तो ये थोड़ी वीडियो भाई नंबर प्लेट्स के ऊपर, कि आपको नंबर प्लेट इस तरीके से लगाने के लिए सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो अपनी गाड़ी एकदम पूरी वॉश वगैरह हो चुकी है, और कुछ वॉश हो के भाई गाड़ी की एकदम चमचमाती गाड़ी पूरी नज़र आ रही है आपको, चेक कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.